पाड़ा मैं हूं, बच्चा के साथ हूं, खुश हूं, ठीक हूं। एक वीडियो थी विद हिडन आइडेंटिटी विद सम पर्सनल क्वेश्चंस आस्क्ड। वाज दैट मी? यस, बट सम पीपल नीडेड तड़का। मेरे फेस को जूम इन कर 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 ओ दैट्स हर वॉइस। ओह, वी आर इन रितुज आर्मी। सो सम फैक्ट्स, एम आई अबला नारी? नो, आई एम नॉट। रियलिटी चेक, द मेड हु कम्स टू योर हाउस वो अबला नारी है। उसके घर में उस पर 1000 अत्याचार हुआ, एंड आई रियली विश कि आप उसके घर पे जाओ और उसके इश्यूज रिजोल्व करते और कहते कि वी आर इन योर आर्मी। मैं समर्थ हूं अपने बच्चों को पालने के लिए। कभी सोचा कैसे? नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ पायलट, बट बिकॉज सेम मैन ड्यूरिंग दीज 8 years मेड मी इक्वली केपेबल, इक्वली समर्थ कि मैं अपने बच्चा ना अकेले भी पाल सकूं। कितने ऐसे आदमी है भारत देश में जो अपनी वाइफ ने इक्वली केपेबल बनाते हो? कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने हृदय की पीड़ा या अपनी दुविधा या प्रश्न अपने भगवान के आगे रखे हो? यूनाइटेड, इट वॉज अ पर्सनल क्वेश्चन। कौन सा ऐसा रिश्ता है यार, चाहे आप अपने माँ बाप का लगा लो, भाई बहन का लगा लो, दोस्त का लगा लो, हस्बैंड वाइफ किसी का भी, जिसमें कभी आप हर्ट ना हुए हो या कुछ बात ईसी ना चुप गई हो कि बस भगवान के आगे जाके रोए ना हो? इवन आई डेड, आप सब, हम सब छूट बोला दे दी जी लोग कमेंट में लिखन लग रहे ना, ये सब निंदा करने लग रहे। जो भी है वो मेरा पर्सनल इश्यू था यार। अगर मैंने उसको पब्लिकली प्लेस करना होता तो माय डियर रितुज आर्मी, आई हैव इंस्टाग्राम टू अनाउंस। एक पति पत्नी के बीच में वो तीसरी बात हुआ जो छुप सके, होगी कोई बात यार, छुप गई इस बार उसके भी और मेरे भी। उसने लगा वो सही, मैंने लगा मैं सही, अड़ गया वो भी, मैं भी अड़ गई। बट डज दैट मीन कि आज आप मुझे बताओगे व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज? ये सोशल मीडिया छोड़ देना है, मैंने 1 साल हो गया, आई डोंट रिग्रेट इट। क्योंकि मेरा पार्ट ही डिफरेंट है, जब तक श्रीजी मिली तब तक ये सब इतना नकली लगन, नकली प्यार, नकली लोगों की हेट्रेड, सब कुछ नकली। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट डिजर्व करें। उस आदमी का इन एंड आउट मैं जानू, उसके जो उसूल है ना, मैंने आपसे सुनने की जरूरत नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, कि वो लॉयल था कि नहीं, वो शीशा बनना है। मैंने उस आदमी को हर सिचुएशन तक गुजरते देखा और गारंटी लेके कह सको जितने भी लोग इसने देख रहे हो ना,
कांते थोड़ा फालतू दे पाओगा। योर प्रॉब्लम है ना, ये अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अपने सबके घर तो शीशा के हैं, लेकिन बोरा के घर में घुस के फुस 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 फुस। इस सोसाइटी को ना, जब मैं पार्लियामेंट जा रही थी ना, मैं तभी संभाल लिया था। तो ईद तो बात देखी है, अरे बहुत अच्छी राय देख रखी है। ठीक है, तो मैंने सोसाइटी का सपोर्ट नहीं चाहिए किसी भी टर्म्स में, और मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, ना मेरे लिए कुछ गलत हुआ है। मेरी श्री जी है मैंने संभाल खातर, अगर मेरे प्रारब्ध होंगे उठाकर पटक देगी, अगर नहीं होंगे तो मेरे गुरु जी मैंने बचा लेंगे। और फिर भी नहीं तो इस देश का संविधान भी है, किसी की भी हेल्प करना। डेफिनेटली आई डोंट नीड दिस सोशल मीडिया सपोर्ट। और आगे घर में घुस के फुस फुस करके रियलिटी यह है, उसको यू नकली बना देना, सुबह फैला देना। ये सोसाइटी का बहुत तरह का कल्चर है। जब बड़ी बड़ी ज्वाइंट फैमिलीज होया कर दी, तो एक औरत हर चीज का रीजन, हर गलत चीज का रीजन एक औरत को बना दिया जाया करता, उस पर अत्याचार रहे। जब ईद सोसाइटी एक्सपैंड होगी है, जब सब इंडिपेंडेंट होने लग गए, कोई भी औरत अगर सेपरेट हुआ एक आदमी से, तो हर चीज का रीजन एक आदमी को बना दिया जाए। इट्स नॉट अबाउट मैन और वुमेन, वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर सेम ट्रेट्स। जस्ट बिकॉज दो लोग अलग हुए हैं, उसका मतलब यू नहीं है कि एक औरत ही सही है या एक आदमी ही सही होगा। दोनों कितने ना कितने सही थे, और दोनों कितने ना कितने गलत थे। ठीक है, दिस क्वेश्चन वॉज नॉट टू द वर्ल्ड, दिस क्वेश्चन वॉज टू माई श्री जी, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। पीपल हु हैव मेड इट बिग एंड सो कॉल्ड माई हितकारी और ऋतुजान शुड बी अशेम्ड, एंड थैंक्स टू पीपल हु व्हेन लुक्ड एट वीडियो बट स्टिल केप्ट साइलेंट थिंकिंग दैट देयर वुड बी अदर साइड टू, देयर वुड बी मोर टू इट। आई मेड दिस वीडियो क्योंकि व्हाट आई लर्न टुडे वाज, कदे कदे साइलेंस कितना बड़ा अधर्म हो जाए। अगर आज मैंने अपना साइलेंस नहीं तोड़ा, तो वो किसी ये ना कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। आई कैन नॉट फॉरगेट द 8 years आई स्पेंट विद दैट मैन, एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। होगी कुछ बात, हो जाएगी सॉल्व तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो श्री जी है। ठीक है, आपकी जरूरत नहीं है, काइंडली स्टे आउट ऑफ इट। हमारी कोई चीज बहुत लोगों ने लगेगा कि मैं मूर्ख हूँ, इफ यू आर गेटिंग सेपरेटेड, इट्स अ टिपिकल बिहेवियर टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन अ मैन एंड टू शो आई एम बिचारी, आई हैव नथिंग, सो सॉरी यार। ना गलत करूं ना गलत सहूं। ठीक है, राधे राधे। तो यहां पर दोस्तों